फायरिंग में एक ASI और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है, पेंट्री कार का, उस वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक ASI है। जो ASI है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया, और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने शूटिंग शूटिंग की थी। फिर उसे जो भयंदर की टीम थी, RPF भयंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। अभी GRP बोरीवली के वो हिरासत में है, अरेस्ट किया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। सर क्या कुछ वजह पता चल पाई है क्यों गोली मारी, क्या वजह थी फायरिंग करने की? नहीं, वजह अभी नहीं क्लियर है, अभी जाँच से पूछताछ की जा रही है कि क्या विच वॉट लेड टू दिस फाइटिंग शूटिंग इंसिडेंट। वो उसका एक जो 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 कांस्टेबल है वो प्रॉपर अपने रोस्टर पे था, जो उनकी ड्यूटी रोस्टर रहती है, और रात में सौराष्ट्र मेल को लेकर सूरत गया था। सूरत में 4-5 घंटे का उनका ऑफिशियल ब्रेक रहता है, ब्रेक के बाद वो उस ट्रेन पर बोर्ड करके सूरत से इसको स्कॉर्ट करके मुंबई तक ला रहा था। सर RPF के बारे में जिसने गोली चलाई, क्या उसने अपनी खुद की बंदूक से गोली चलाई, क्या कुछ और से कुछ पता चलता है किस चीज़ से गोली फायरिंग? नहीं, फायरिंग तो अभी जैसा अभी प्रेलिम में जानकारी मिल रहा है कि ऑफिशियल वेपन से ही फायरिंग हुई है, और वो वेपन भी उसे सीज कर लिया गया है, ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी अभी उससे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश में जैसे फर्दर जानकारी मिलेगी बताया जाए।